हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सलार मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आ रहा है और दोस्तों ये रिपोर्ट देखने के बाद और सुनने के बाद आपकी एक्साइटमेंट लेवल और भी हाई हो जाएगी। तो क्या है पूरा न्यूज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो में जितना लाइक से सब्सक्राइब किया था उससे कहीं ज़्यादा प्यार इस वीडियो को दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सलार मूवी के अंदर KGF यानी कि रॉकी भाई नहीं, ये आप सभी जानते हैं और दोस्तों ये ऑफिशियल भी हो गया है। लेकिन दोस्तों, जो ट्रेलर देखने के बाद फैंस का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ही हाई हो गया है और दोस्तों ट्रेलर ने नए नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बेहतरीन एक जो न्यूज़ सामने आ रहा है कि सलार मूवी के अंदर हमें प्रभास का डबल रोल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सलार मूवी के अंदर प्रभास का डबल रोल रहेगा, जिनमें से एक रोल का नाम रहेगा सलार और दूसरे का नाम रहेगा देवा। इसके अलावा दोस्तों, एक जबरदस्त और न्यूज आ रहा है कि सलार पार्ट वन आएगा और पार्ट टू आएगा। सलार पार्ट वन के अंदर हमें दोस्ती दिखाई जाएगी और पार्ट टू के अंदर हमें दुश्मनी दिखाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सब ट्विस्ट एंड टर्न सलार मूवी के अंदर रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न के लिए कितने एक्साइटेड है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रसाद नील का जो डायरेक्शन रहता है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। और दोस्तों, कुछ जो सेट हमें है KGF 2 मूवी के अंदर देखने को मिले थे, वही सूट हमें, वही लोकेशन हमें, वैसा ही लोकेशन हमें सलार मूवी के अंदर भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, एक सलार एक हाई बजट की, मेगा बजट की एक बड़ी फिल्म है दोस्तों, जिसका डायरेक्शन काफ़ी सालों से स्टार्ट कर दिया गया था। और दोस्तों, इस मूवी की शूटिंग लगभग 2 साल से हो रही थी। हाल ही में दोस्तों, इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी आने वाली फिल्म KGF 3 नहीं रहने वाली। जी हाँ दोस्तों, KGF 3 नहीं, उनकी जूनियर NTR के साथ फिल्म रहने वाली है। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जूनियर NTR के पास War 2 है, देवारा है और दोस्तों NTR 31 भी फिल्म रहने वाली है। उस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले है प्रशांत नील। और दोस्तों, उन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए काफ़ी है। अब दोस्तों, सलार के बारे में बात करें तो दोस्तों, जैसे दोस्तों Tiger 3 मूवी के अंदर पठान की एंट्री पसंद आई थी लोगों को, लेकिन दोस्तों Tiger 3 मूवी को शाहरुख खान के फैंस ने सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए दोस्तों अब सलमान खान के फैंस ज़्यादातर सलार मूवी को ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसा मैंने कमेंट में भी पढ़ा है और दोस्तों ट्रेलर में भी देखा है। क्योंकि दोस्तों Tiger 3 मूवी के टाइम पर शाहरुख खान का कोई भी फैंस Tiger 3 मूवी देखने नहीं गया था, ऐसा उन्होंने ट्रेंड चलाया था। और दोस्तों अब वही ट्रेंड को सलमान खान के फैंस फॉलो कर रहे हैं और दोस्तों सलार और डंकी का क्लैश होने की वजह से वो सलार मूवी को ज़्यादा मूवी को देखना और प्रमोट करना जा रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों, उनके प्रमोशन से कितना फ़ायदा होता है सलार मूवी को, कितना नुकसान होता है डंकी को, वो तो दोस्तों जब मूवी रिलीज होगी और उसका कलेक्शन आएगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, आप सलार और डंकी में से कौन सी मूवी देखना चाहोगे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।